नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ नौदा विधानसभा की प्रत्याशी उनकी बेटी नाजनीन जी हैं, तो आज हम उनसे जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पूरी तरह जोर लगाए हुए, तो हम उनसे जानेंगे किस तरह उन्होंने तैयारी कर रखी है अपनी माँ को जिताने के लिए, क्योंकि पिछली बारी एक रिकॉर्ड जीत 35,000 से यहाँ पे साइना मुमताज जी जीती थी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरह से साइना जी पिछले बारी 35,000 वोटों से जीती थी, अब की आपको क्या लगता है? बहुत सारे कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उन्होंने तो बोला कि शतक मारेंगी जी, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आपने पहले थोड़ी देर पहले लोगों से बात की है, यहाँ के नेताओं से बात की है, उनके दिल में जो चाह है, जो प्यार है ममता दी के लिए, वो चाहते हैं कि ममता दी फिर से हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बने और आगे जाके हम लोग प्रधानमंत्री भी बनाना चाहते हैं उनको। तो आज साइना मुमताज जीते या कोई और जीते वो बड़ी बात नहीं है, बात ये है कि ममता बनर्जी को जिताना है। उसके लिए 50,000 के अगर 90,000 भी करना पड़े या 1,00,000 भी करना पड़े, हम लोग करेंगे। आपने बोला साइना मुमताज जीते ना जीते, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो नौदा की जनता है उन्होंने बोला कि बड़ी दीदी उधर है, छोटी दीदी नौदा में है। उनका प्यार है, उनका प्यार है, उनका प्यार है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। आज देखा आपने, उन्हें 5,000 से ज्यादा लोग आए हैं, हमारे जो कर्मी हैं, हमारे जो कर्ता है, वो सब छोड़ के अपना, आज शब ए बारात के दिन है, लोगों ने रोजा भी रखा है, होली छोड़ के लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये प्यार जो भाईचारा आप देख पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कहीं और देख पाएंगे। तो हिंदू है, मुसलमान है, भाई है, बहने हैं, सब अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के यहाँ आए हैं हमें सपोर्ट देने के लिए, ममता दी को सपोर्ट देने के लिए। मेरी मम्मी जो है साइना मुमताज, जो कैंडिडेट है यहाँ की, उनको सपोर्ट देने के लिए हमारे एमपी भी आए थे यहाँ पे। तो सारे जो कर्मीकर्ता जो भी हैं वो सारे यहाँ पे अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना वोट हमें कीमती हमारे तृणमूल को देने आए हैं। उसी का प्यार आप लोगों ने देखा है और जनता भी देख पाएगी। बिल्कुल मैम, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2024 की तैयारी चल रही है, गंगवाल बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने घूम घूम के बहुत सारे जिलों में देखा हुआ है। सभी लोगों का कहना, तृणमूल के जो भी कार्यकर्ता हैं, बोल रहे हैं कि ये अभी यहाँ से तैयारी शुरू हो गई है 2021 से, बंगाल चुनाव डिसाइड करेगा आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को, और ममता जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बंगाल के लोग और बाहर के लोग भी उन्होंने देखना शुरू कर दिया, इसके बारे में क्या कहना? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जैसी जो लीडर हैं उनको बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। वो सिर्फ एक देश के लिए नहीं, सारे भारतवर्ष और भी बाहर के, आपने देखा होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन जितनी सारी देश महिला चलाती हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर, उन देशों की हालत देखिए और हमारे देश की हालत देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की क्या हालत बना दी है। न्यूजीलैंड उसका एक ताज़ा उदाहरण है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि एक औरत के हाथ में थोड़ा सा और रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए देखिए बंगाल को सोना बना दिया है, सोने का बंगाल है, तो सोने का भारत भी बन जाएगा। औरत अन्नपूर्णा भी है, औरत दुर्गा भी है जी। तो हिंदुस्तान तो वैसे भी आपने देखा कि हिंदुस्तान में औरतों की जिस तरह से एक कद्र है, जिस तरह से एक देवी के रूप में पूजा जाता है, तो आने वाले चुनाव में हम ये समझे कि 2024 में, 2021 में तो ममता जी जीती रही हैं, 2024 के चुनाव में लोकसभा में आप लोग उनको चुन के दिल्ली भेजेंगे। आपने एक बात कही अभी कि हिंदुस्तान में हम लोग नहीं है, हम लोग भारतवर्ष में हैं। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। और हम लोग पूछते नहीं है, हमारे दिल में ममता बनर्जी है, तो दिल में जो है वो आगे बढ़ेंगी, उन्हीं को रखेंगे, उन्हीं को आगे लेके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने देखा, ये थी हमारे साथ नौदा विधानसभा की जो कैंडिडेट हैं साइना मुमताज खान जी, उनकी पुत्री, जिन्होंने बताया अपनी तैयारियों के बारे में और आने वाले 2000, ये जो चल रहा है 2021 का इलेक्शन, ये 2024 के लिए एक परिपाटी यहाँ पे लिखी जा रही है कि आने वाले 2024 में हम ममता बनर्जी को दिल्ली यहाँ से चुन के भेजेंगे। सर, नौदा विधानसभा बहुत ही चर्चित हो चुकी है इस समय, क्योंकि मशरफ हसन मधु भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो भी जोर शोर से लगे हुए हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है। आप किस तरह तैयारी किए हुए हैं साइना मुमताज जी को जिताने के लिए? अपनारा देखते ही पाच्छेन, आज के नौदा विधानसभा हमरा मामाटी मानुष तृणमूल कॉग्रेसे जरा सक्रिय कर्मी बूथभित्तिक तादेर के हमरा डेकेछिलाम। आज के एखाने कर्मी सभा ना, आज के जनजोहर हो गेलो। आज के नौदा विधानसभा मामाटी मानुष तृणमूल कॉग्रेसेर प्रार्थी साइना मुमताज खान बेगम उनार समर्थने जे आज के कर्मी सभा थेके जनजोहर माने जनसभा परिणत हलो। एखान थेके बार्ता दिया जाए मानुष कि चाइछे, एखाने जे मुशारफ होसेन आमादेर बिरोधी प्रार्थी ताके मानुष भालो चोखे मेने नेयनि, एखानकार मानुष उन्नयनेर शरीक होते चाय। मामाटी मानुष तृणमूल कॉग्रेसेर जे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज के जे 68টা প্রকল্প আছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটা প্রকল্প আজকে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে গেছে, সেই সব প্রকল্পগুলো মানুষ খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ
এখানে সংখ্যালঘু ঘরের মানুষ তারা প্রত্যেকটা প্রকল্প কম বেশি তার মানুষের কাছে আছে, তারা সেই সবগুলো ব্যবহার করছে। আজকে দেখুন, আজকে মমতা ব্যানার্জি বিনা পয়সায় চাল দিচ্ছে, আজকে দুয়ারের সরকার গিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড চিকিৎসার জন্য দিচ্ছে, আর কেন্দ্র সরকার আজকে পেট্রোল ডিজেলের দাম আজকে গ্যাস শতক মার চুকে অলমোস্ট সারা ভারতবর্ষে, আপনার এখানে সারা ভারতবর্ষের ভিতরে আমার বাংলার যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজকে বাংলার জন্য আজকে চাইছে যে খেটে খাওয়া মেহনতির মানুষের পাশে থাকতে চাইছে। তাই নওদার মানুষ আগামী দিনে বেছে নিয়েছে যে ঘাসের ওপর জোড়া ফুল চিহ্ন, এখানে মমতা ব্যানার্জির হাত শক্ত করতে সাইনা মমতাজকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করাবে, যে ভোটে জিতেছে তার থেকে বেশি ভোটে এবার ব্যবধানে জিতবে। মার্জিন কিতনা রয়েগা, পিছলি বারি 35 থা, আপকি ক্যা, আপকো ক্যা লাগতা হ্যায়? প্রায় 50-60 হাজার ভোটে সাইনা মমতাজ ভোট এবার ঘাসের ওপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোটে ব্যবধানে লিড করবে। স্যার আপকো ক্যা লাগতা হ্যায়, জিস তরহ অমিত শাহ ইয়ে বোল রহে, দিদি বোল রহি হ্যায় কি খেলা হোবে, অমিত শাহ বোল রহে হ্যায় কি বিকাশ হোবে? विकास तो खेल तो शुरू हो गया ऑलरेडी, और एक्चुअली खेला मतलब फाइनल में देखा जाएंगे कि कैसे खेला होता है, वो तो रिजल्ट बताएंगे। और 100% 70-75% वोटर टीएमसी में है। यस, तो आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी बोले कि 200 के पार होगा और टीएमसी के कार्यकर्ता बोले हमारा 210 के पार होगा, तो आपको क्या लगता है? ऐसा है, दिल्ली में भी, दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ था वो भी बहुत कुछ बताया, लेकिन उसी हिसाब से आप देखो क्या क्या बना, रिजल्ट क्या हुआ दिल्ली में क्या हुआ। और कल जो अमित शाह बताया कि जितना 30 में 26 बोला जी, उल्टा सोच लो। अच्छा, मतलब 26 टीएमसी की है 100% और 4 के आसपास आप समझ लो, 3 से 4 बीजेपी, बड़ा मुश्किल से। अच्छा, उसमें कांग्रेस भी तो हो सकती है? नहीं, कांग्रेस मुश्किल। अच्छा, कांग्रेस मुश्किल है। सर आपको क्या लगता है, किस तरह आप लोगों ने तैयारी कर ली साइना मुमताज जी को जिताने के लिए? नौदा के जो आदमी है, यहाँ पे माइनॉरिटी इलाका है जी, और यहाँ पे 25% से भी कम है जो हिंदूज है जी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आदमी ममता बनर्जी का जो प्रकल्प है, यहाँ पे 68 प्रकल्प है, उनको सामने रख करके पूरा नवदावासी ये सिद्धांत लिया है कि दीदी के अलावा पश्चिम बंग में अभी कोई नहीं है, क्योंकि दीदी है तो खुश है, दीदी है तो शांति है, और पश्चिम बंगाल का आदमी सभी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह करके हम लोग एक साथ चलेंगे, एक साथ नए भारत का निर्माण करेंगे। और यहाँ का जो हमारा हिंदू भाई है ये बहुत समझदार है, या खास करके जो जुमला पार्टी बीजेपी, जो अमित शाह एंड अदर्स जिन्होंने आज बाहर से आकर के पश्चिम बंगाल में एक टेंट लगा करके पश्चिम बंगाल को एक अलग से जीतने का सपना देख रहा है, ये गलत है। और यहाँ का जो हिंदूज ये समझते हैं ये नहीं होगा, हमारा हिंदू भाई ममता दीदी का साथ है और दीदी का साथ रहेगा। और यहाँ पे कम से कम हमारा साइना मुमताज बेगम खान महाशया यहाँ पे 50-60 हज़ार वोट में जीतेगी, पिछले बार 34,000 में जीती थी, इस बार कम से कम 50-60 हज़ार में जीतेगी, इससे कोई विकल्प नहीं है। सर आपको क्या लगता, कहीं कहीं बात ये होने लगी कि 2021 बंगाल का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव यस की एक परिपाटी लिखी जा रही है, ऐसा कह सकते हैं कि 2024 में आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को एज प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेंगे? नहीं, ममता बनर्जी आज सारा भारतवर्ष में हमने देखा है कि इससे जो ग्रेट नेत्री भारत के अलावा और किसी देश में नहीं है, हमने जो देखा है समाचार पत्रिका में, मैं भी एक इंडियन आर्मी फोर्सेस का रिटायर्ड सैनिक हूँ, मैं देखा हूँ इस भारत का हर जगह में, हर स्टेट में जाके देखा हूँ, बीजेपी का जहाँ पे मुख्यमंत्री है वहाँ पे भी जाके देखा हूँ, वहाँ का शासन देखा हूँ। हमारे पश्चिम बंगाल में जितना आदमी स्वाधीन है, फ्रीडम है, जितना हाथ में एक दूसरा भाई बहन, एक दूसरा हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल करके रहते, दोनों कोई भी पर्व है एक दूसरा घर में जा करके बराबर हिस्सा लेते हैं, और इसी हिसाब से हमने देखा कि हमारा दीदी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने का लायक है। दीदी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो पूरा भारतवर्ष एक स्वर्ग जैसा होगा, इसका विकल्प कुछ नहीं होगा, हम पूरा भारतवर्ष चाहिए ये दीदी जैसे प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री होने से भारतवर्ष का जो है एक सपना पूर्ण होगा, और दीदी दीदी बेस्ट रहेगा, और की यही बोलना चाहता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।